तो गैज अभी मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ श्री ललिता कुंड के, जो कि श्री राधा रानी की प्रिय सखी थी चैतन्य महाप्रभु बैठक। तो आप इनका स्वरूप देखें कितना शांतिपूर्ण है। जो आप देख रहे हैं ये है कुसुम सरोवर। गैज ये हम मानसी गंगा में प्रवेश करने जा रहे हैं। सब्जी वाले की बोरी लूट ली इन लोगों ने। जब लीला हुई तो भगवान की जो जिभ्या है वो गोप कुआ में निकली थी। 12 वर्ष इसी जगह पे बैठ के तपस्या किया। भगवान ने उनसे कहा कि मैं आपको निधवन में दर्शन दूंगा, वृंदावन धाम आइए। अच्छा। और यहाँ से तपस्या करके वृंदावन निधवन धाम में उन्होंने तपस्या की। ठाकुर जी साक्षात प्रकट हुए, उनको गोदी में लेकर बाकी प्यारी मंदिर बना। अच्छा, प्राचीन स्थान उनका ही। श्री हरिदास ने यहीं पर तपस्या की। जी जी। अरे वाह, बहुत हेलो, दे दे तेरा आहा नहीं तेरा जा। हाँ गाइस अभी मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ श्री ललिता कुंड के, जो कि श्री राधा रानी की प्रिय सखी थी। दर्शन कर लीजिए, रात का वक्त है, थोड़ी रोशनी कम है, लेकिन हाँ अच्छे से दर्शन हो पा रहे हैं। ये है स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाप्रभु बैठक। जो कृष्ण थे उनका ही एक स्वरूप थे चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं कृष्ण थे, तो उनकी बैठक यहाँ पर है, उसके भी दर्शन आपको करा दें। आप इनका स्वरूप देखें कितना शांतिपूर्ण है। ये जो आप देख रहे हैं ये है कुसुम सरोवर, जहाँ पर श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ फूल तोड़ने के लिए आया करती थी। बहुत ही सुंदर जगह है, देखिए सुंदर जगह है गाइस। सो गाइस ये हम मानसी गंगा में प्रवेश करने जा रहे हैं। किस तरह का नज़ारा देखने के लिए मिलता है, तो मन से प्रकट की गई गंगा मानसी गंगा कहलाती है। बाकी और भी कोशिश करेंगे इसके बारे में जानने की। ओ वाह, सो रहे हैं। हेलो, ये उधर कैसे सो रहे हैं? ये बीच वाले कैसे सो रहे थे? हाँ फिलहाल हम लोग आए हैं मानसी गंगा में। तो देखिए यहाँ से आपको दर्शन कराता हूँ। पूरी मानसी गंगा है और बोले ना आशीर्वाद ले लेते हैं। सुबह इस परिक्रमा करके हम लोग आ गए थे और अभी बैठे हैं रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। सो हमने मंगाई है सेम दाल तड़का और बटर नान, और बच्चे खा रहे हैं मैगी। अभी दूसरी ओर मैगी का ऑर्डर दिया, एक खा चुके हैं और सामने हम लोग रुके हुए हैं, तो फिलहाल खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद अपने होटल में जाएंगे, थोड़ा आराम वराम करेंगे, क्योंकि कल हम कहीं और जा रहे हैं। सो गाइस आज घूम फिर के हम लोग आ गए थे और काफ़ी अच्छा दिन रहा और अलग अलग जगह पे गए और बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस रहा। बहुत सारी ऐसी नई नई जगह देखी जो हम लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। बोलो सुना, कल जब हम बड़ी परिक्रमा में गए थे ना, तो मेरे को वहाँ से फुलझड़ी भी मिली थी दोनों। इसको अपनी फुलझड़ी ही पड़ी। कल हम कहीं और जा रहे हैं, तो अभी तो सारे काम हो गए हैं, एडिटिंग भी हो गई है और टीवी वगैरह देख के भी आराम से बैठ गए हैं। ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं नए ब्लॉग के साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, रिकमेंड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको मिल सके सारे वीडियो सबसे पहले विदाउट एनी डिले। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। गाइस दिन की शुरुआत हो गई है और अभी फिलहाल हम लोग जाने वाले हैं राधा कुंड, श्याम कुंड और बाकी देखने वाले जो उसके आसपास के क्षेत्र हैं। जो कल भी हम लोग गए थे, जैसे आपने ब्लॉग में देखा होगा, तो मतलब दिमाग में आता ही है कि दोबारा क्यों जा रहे हैं। मतलब एक बार में ना तृप्ति नहीं होती है, तो दोबारा से दिल कर रहा है जाने का। और कल क्योंकि घर गए थे और अंधेरा हो गया, काफ़ी भीड़ भाड़ भी थी, तो बैठने के लिए कुछ वक्त नहीं निकाल पाए, तो हम लोगों ने ये सोचा कि जाते हैं, चलो वहाँ बैठते हैं, कुछ वक्त बिताएंगे और कुछ वक्त ऐसा जिसमें कुछ काम ना करें और कुछ शांति का टाइम वहाँ पर बैठ के एक
अपना सा वक्त जो होता है राधा कृष्ण के चरणों में बिताएं, क्योंकि ये वही स्थान है गाइस जो राधा कृष्ण ने अपने स्वयं हाथों से बनाया था। तो और जानकारी वहां पर लेंगे और वहां के जो लोकल पंडित हैं और जो पुरोहित हैं उनसे भी जानकारी और निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या लीलाएं वहां पर हुई थी। तो फिलहाल चलते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है हमारे साथ, और आप लोग भी इसके साक्षी बनिएगा, रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ। और वीडियो पसंद आता है तो पहले ही सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहें। गाइस अभी जस्ट हम उतरे ही हैं, ये देखो यहाँ पर लूट मची हुई है, बंदरों ने लूट मचा रखी है। बच्चा भी सीख रहा है, बच्चा भी आ गया, हेलो बच्चा भी आ गया, ये देखो सब्जी वाला है, सब्जी वाले की बोरी लूट ली इन लोगों ने। कितने आराम से बैठ के खा रहे हैं, वो भगा दिया एक को, निकल पूरी बोरी मेरी, उतर गया बेटा निकलने दो, बड़े आराम से खाता जा रहा है। हम लोग जा रहे थे मंदिर और मंदिर जाने से पहले ले रहे हैं चुन्नी, और ये सीधा रास्ता जो है मेन रोड की तरफ जाता है जहाँ से हम लोगों ने परिक्रमा आरंभ की थी। ये देखो अभी इसी रास्ते हम सीधा सीधा जाएंगे, फिर राधा कुंड आएगा। अच्छे कलर तो अच्छे हैं। बच्चे का ये ऑरेंज, ये भी सही लग रहा है, ये और ये कलर भी अच्छे लग रहे हैं। बेटा सुन गाड़ी आ रही है, इधर आ जा तू। बैठी क्यों ऐसे? दोनों दूर दूर बैठे हैं, लड़ाई ना हो जाए। मैं कपड़े पे बैठ। हाँ बेटा वो गिर जाएगा, इधर आ जा तू, चल दीदी के पास बैठ जा, इधर चल बैठ जा साइड में, बैठने दो उसको, जाने इधर बैठ जा, अभी चलेंगे। चले के चार द्वार हैं। अच्छा, और उनका मुखारबिंद यहीं पर है राधा कुंड में, और पूंछरी में पूंछ है, जतिपुरा में भगवान का पेट है। अच्छा। उधर जिसको बोलते हैं दूध चढ़ाते हैं। हाँ हाँ हाँ। और गोवर्धन में उनका बक्शिश स्थल है, और राधा कुंड में मुख है। अच्छा। तो राधा कुंड में मुख है, भगवान की जब लीला हुई तो भगवान की जो जिभ्या है वो गोप कुआ में निकली थी। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा दूर गोप कुआ है जो लगभग 5,500 वर्ष पुराना है। तो जिस समय भगवान यहाँ द्वापर काल में लीला कर रहे थे तो ब्रज की गोपियाँ वो सभी इसी कुएं से पानी भर के ले जाती थी, यहाँ पास में कुआ है। अच्छा अच्छा। तो उस कुएं का आज भी वही जल है जो पहले था। अच्छा। हाँ, वो भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। अरे वाह। यहाँ उसी कुएं में से हाँ। श्री गिरिराज महाराज की जिभ्या प्रकट हुई थी। अच्छा। और वो वहाँ से निकाल करके यहाँ मंदिर में स्थापित हुए। अरे ये जिभ्या स्वरूप हमारे गिरिराज जी हैं, दर्शन करो। ये भगवान की जिभ्या है गिरिराज महाराज की, श्री गिरिराज जी का जिभ्या मंदिर, भगवान की जीव है। जैसे हमारी तुम्हारी टंग होती है जीव, हाँ, ऐसे भगवान की जीव है। तो अभी ये पत्थर के स्वरूप में, जैसे गिरिराज महाराज हमारे जिस रूप में है उसी रूप में जिव्या आ जाओ, नहीं नहीं साइड से जा।